लोकसभा चुनाव से पहले देश में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ी है। इसी बीच चर्चा में है मोदी सरकार का श्वेत पत्र और कांग्रेस का ब्लैक पेपर। मुद्दा समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये क्या है, श्वेत पत्र क्या है, क्यों और कब लाया जाता है और इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई। श्वेत पत्र की शुरुआत 1992 में ब्रिटेन से हुई थी। श्वेत पत्र के जरिए ये सर्वेक्षण या कोई अध्ययन जारी किया जाता है। इसका मकसद चीजों को बेहतर बनाना होता है। आसान भाषा में समझें तो श्वेत पत्र वो दस्तावेज है जो सरकार या कोई संगठन या गैर लाभकारी संगठन जारी करता है। इसमें कोई समाधान, निष्कर्ष या किसी उत्पाद की सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए या उसके उजागर करने के लिए लाया जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल सरकारी नीतियों को जारी करने, कानून पेश करने और जनता की राय जानने के लिए एक प्रक्रिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ सरकार ही नहीं, यह संस्था, कंपनी और संगठन भी जारी कर सकते हैं। एक कंपनी या संस्था के श्वेत पत्र में उसके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद, तैयार करने के तरीके, प्रचार प्रसार के तमाम जानकारियां इसमें होती हैं। मकसद इसे आम लोगों तक पहुंचाना होता है। अंतरिम बजट 2024 पेश करते हुए हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के दौरान किए गए आर्थिक निर्णयों और देश पर उसके कारण पड़े दुष्प्रभावों को जनाने के लिए श्वेत पत्र लाने की घोषणा की थी। बजट भाषण में उन्होंने कहा था कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने बागडोर संभाली थी। उस समय हमने स्टेप बाय स्टेप देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने और शासन प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी संभाली थी। तब समय की मांग थी कि निवेश आकर्षित किया जाए, सुधार के लिए समर्थन जुटाया जा सके। सरकार राष्ट्र प्रथम के विश्वास के साथ इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। मोदी सरकार चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। सरकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार बजट सत्र में श्वेत पत्र लेकर आएगी। इसके जरिए स्पष्ट कर देगी कि मोदी सरकार ने देश में कितना बदलाव किया है, पिछले दो कार्यकाल में देश के लिए क्या क्या सरकार ने किया है। वहीं यूपीए सरकार का हाल क्या रहा। श्वेत पत्र के जरिए एनडीए सरकार कांग्रेस के कुप्रबंधन को उजागर करेगी। इसका सकारात्मक असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। इधर मोदी सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस भी ब्लैक पेपर लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं के साथ 10 साल अन्यायकाल के नाम से ब्लैक पेपर का पोस्टर जारी किया। खड़गे ने कहा, मोदी सरकार जब संसद में अपनी बात को रखते हैं तो अपनी सफलता को बताते हैं और अपनी असफलताओं को छिपा लेते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ हम ये ब्लैक पेपर निकाल कर लोगों को जानकारी देंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूअर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है, तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पीएम मोदी ने तंज कसा है। इस पर उन्होंने कहा है कि मैं ब्लैक पेपर का स्वागत करता हूं, क्योंकि जब कोई अच्छी बात होती है तो काला टीका लगाना बेहद जरूरी है ताकि नजर ना लगे। अब लोकसभा चुनाव से पहले ब्लैक पेपर और श्वेत पत्र की ये जंग कहां तक जाएगी और किसको इसका फायदा मिलेगा, ये वक्त ही बताएगा। पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है, उसको नजर रख जाए इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब भी अच्छी बात होती है, काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है
और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। देखिए, हमारे वित्त मंत्री जी ने जब अंतरिम बजट पेश किया था उसी का ये पार्ट था कि 2014 में इन्होंने कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन देश के सामने छोड़ी थी उसका जिक्र करना ज़रूरी है। तो उसी क्रम में, उसी सिलसिले में ये पूरा निर्मला सीतारमण जी जो आपको सब्जेक्ट ध्यान में आया है उस पर कल फाइनेंस बिल पास हुआ है। आज हमारे यहाँ लोकसभा में 2-3 बिल हैं और वो वाइट पेपर वाला विषय भी आज चर्चा में रहेगा। सर, ये विपक्ष कह रहा है कि हम भी मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं हम भी एक ब्लैक पेपर रखेंगे। पहले वो देखेंगे ना, डेटा देखें। वो 2004 और 14 के दौरान इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे खराब किया इन्होंने, अपने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण देश की जो आर्थिक स्थिति है वो रसातल में पहुंच गई। और वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में कैसे हमने उन खड्डों को भरा और इकोनॉमी को रफ्तार पे लाए, पटरी पे लाए और तेज़ गति से विकास करने वाली इकोनॉमी बनाया, ये तो वो पेपर पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी चर्चा करेंगे उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। कितने बजे आएगा? आज आएगा जी। राज्यसभा में सर कब आने वाला है? पहले लोकसभा में तो आने दो। बिल्कुल, देखिए व्हाइट पेपर पे तो चर्चा होती है, हमारे ओर से भी जब रखा जाएगा तो उसके बाद वो भी कुछ कहेंगे, हमारे यहाँ से भी जवाब आएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री जी रखेंगे, वित्त मंत्री जी का ही तो ये डोमेन है। उन्होंने आप बजट, अंतरिम बजट भाषण पढ़ो, उसके अंदर लिखा है उन्होंने साफ साफ, तो उसी के अनुसरण में आ रहा है। ये साफ दिखता है कि जब कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होगा, एक लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 2014 में जो कांग्रेस छोड़कर गई थी, घोटालों से भरा हुआ अपने 10 साल का कार्यकाल छोड़कर गई थी, देश की साख को गिराकर गई थी, वो 10 साल में देख नहीं पाई कि देश मोदी जी के नेतृत्व में कितना मान सम्मान दुनिया भर में पाया है। वो ये नहीं जान पाई कि कैसे 10 सालों में 10 लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। वो ये भी कांग्रेस तड़प रही है कि कैसे मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। अब इन बातों का जवाब तो कांग्रेस के पास है नहीं। मोदी की गारंटी पास हो गई, मोदी की गारंटी की साख बढ़ गई, वहीं कांग्रेस की गारंटियां फेल होती नजर आती हैं हर राज्य में। फिलहाल दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रही है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए पत्रिका।